हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में चोली को डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस प्रकार की चोली को आप लॉन्ग सूट, अम्ब्रेला कट सूट, स्ट्रेट कुर्ती या आपका लॉन्ग कुर्ती है उसमें ऐड करके उसे बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हैं और एक नया डिज़ाइन क्रिएट करके आप अपनी ड्रेस डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चोली को कट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये बैक पार्ट कट किया है। इसकी कटिंग मैंने नॉर्मल गले के अकॉर्डिंग की है, तो ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और फ्रंट पार्ट कट करने के लिए मैंने ये देखिए दो पार्ट लिए हैं इस तरीके से। आप देखिए इसको बिछाना किस प्रकार से है। सबसे पहले आप इसकी बूटी चेक कर लीजिए, अगर आपका कपड़ा प्रिंटेबल है और उसमें बूटियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे पहले सेट कर लीजिए। तो ये मैं देखिए इस तरीके से इसे बूटी के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद में अब मैं यहाँ से अपने सेंटर से सबसे पहले 4 इंच का मार्किंग करूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर मैं 1.5 इंच का एक और मार्किंग करूँगी। और इस वाले फैब्रिक को मैं इस लाइन से कट करके हटा दूँगी। अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसे लेना है हमें, और इस पार्ट को भी यहाँ से हमें आगे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से सेट करना है। इसे सेट करने के बाद में बैक पोर्शन लीजिए और इसे इस तरीके से सेंटर अलाइन करते हुए इसके ऊपर अरेंज कर लीजिए और यहाँ से इसे इसी के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। जो हमने ये वाली मार्किंग की थी वो मार्किंग हम अपने इस वाले पोर्शन पे ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ से इसके शोल्डर्स डाउन करने हैं और फ्रंट वाले पोर्शन में हम गड़ाव देंगे। और इस गड़ाव को हमें इसी मार्किंग पर कट करना है। इस तरीके से हमने अपनी चोली की कटिंग कर ली। स्टिचिंग शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले एक काम करना है। जो हमने ये दो पोर्शन कट किए थे अलग अलग फ्रंट चोली में, तो यहाँ पर देखिए जो हमने मार्जिन लिया था 1-1 इंच का, तो उसमें देखिए जो छोटा वाला पोर्शन है जो हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा उसमें हमने 1/2 इंच की पट्टी इस तरीके से पेपर फिशिंग की चिपका ली है और इसे इस तरीके से सेट कर लिया है। और जो हमारा राइट साइड का पोर्शन है उस पर हमने 1 इंच की पट्टी लगाई है और इसे इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम चोली के बैक पोर्शन को स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पर देखिए इसका नेक कट किया है। ये नेक मेरा नॉर्मल नेक है, यहाँ से मैंने इसकी विड्थ ली है 2.5 इंच और यहाँ से इसकी डीपनेस ली है मैंने 3.5 इंच। अब मैं इसमें उरे पट्टी लगाते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो बैक नेक है वो स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी चोली का फ्रंट पोर्शन तैयार करेंगे। फ्रंट पोर्शन में जो हमने फिजिंग चिपकाई थी पेपर फिजिंग, इसे इस तरीके से हमें कपड़े को इसके ऊपर ओवरलैप करना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर टॉप की स्टिचिंग लगाते हुए दोनों पोर्शन को स्टिच कर लेना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों पोर्शन को स्टिच कर लिया है।
फ्रेंड्स, जो मेरा बड़ा वाला पोर्शन है इस पर मैंने यहाँ पर नोक की स्टिचिंग नहीं लगाई है, जबकि मैंने अपने छोटे वाले इस पोर्शन पर यहाँ पर नोक की स्टिचिंग लगाई है। अब हमें फ्रेंड्स करना क्या है कि हम यहाँ से जो ये हमारा नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ 8.5 इंच का मार्किंग करेंगे और इस बड़े वाले पोर्शन को इस वाले छोटे वाले पोर्शन के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए हम यहाँ पर 8.5 इंच तक इसे यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग लगाते हुए इसे पैक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें पेपर फिशिंग के अंदर नेक कट करना है। इसकी मैंने डीपनेस ली है 6 इंच। अब हम इसे अपने इस फैब्रिक के ऊपर तैयार करेंगे। इस प्रकार से देखिए, हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चोली के ऊपर इस नेक को स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटर लाइन खींच ली है और यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से सेट करते हुए, सेंटर लाइन करते हुए इन दोनों पोर्शन को इस तरीके से अरेंज कर लूँगी और यहाँ पर एक मैं रफली स्टिचिंग लगा लूँगी। रफली स्टिचिंग लगाने के बाद में मैं यहाँ पर जो हमारी ये पेपर फिशिंग है इसके बिल्कुल जड़ में स्टिचिंग लगाते हुए इस नेक को स्टिच करूँगी। इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने नेक को स्टिच किया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक स्टिचिंग इस प्रकार से भी की है। देखिए, जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी स्टिचिंग, मैंने ये स्टिचिंग मैंने स्ट्रेट ना निकालते हुए यहाँ पर 1/2 इंच इस तरीके से एल शेप में मैंने स्टिच किया है। अब हम इसे कट करेंगे। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ये मिड वाला पोर्शन है इसे कट करके रिमूव कर दिया है और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे नोचेस लगा लिए हैं। अब फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे एल शेप में स्टिचिंग लगाई थी इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से पलट लूँगी और पलटने के बाद में फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर नोक की सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लें या तुरपन लगाकर भी इसे स्टिच कर सकते हैं। इसे स्टिच करने के बाद में फ्रेंड्स, हम अपने इस पोर्शन में बैक पोर्शन को कंधे से अटैच करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इस नेक को स्टिच कर लिया है। साथ ही मैंने अपनी चोली को इस तरीके से शोल्डर से अटैच करते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है और जो ये हमारे बैक में नेक है मैंने भी यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग लगाते हुए इसे फाइनल स्टिच कर लिया है। चोली को रेडी करने के बाद में फ्रेंड्स, आप इसके अंदर स्लीव्स अटैच कर लीजिए, इसके नीचे का घेर अटैच कर लीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद में फ्रेंड्स, हमें एक काम करना होगा। जो हमने यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी लगाई है, ये देखिए जो स्टिच की है, यहाँ पर हम अपने ये कुछ डायबल बटन्स हैं जो कि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि ये डायबल बटन किस प्रकार से मैंने बनाए हैं। इन डायबल बटन को मैं यहाँ पर हाथों द्वारा स्टिच करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से अपने ये बटन्स इनके ऊपर हाथों से लगा लेने हैं और जो अपना ये खुला ओपन वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप चाहें तो टच बटन या आप हुक भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टच बटन लगा लूँगी।
तो देखा दोस्तों आपने कि हमने किस प्रकार से एक डिज़ाइनर चोली है उसे कट करके स्टिच कर लिया है और डेकोरेट करके हमने उसे बहुत ही प्यारा लुक दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।